यही कुछ बेसिक छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपके गाने को बोरिंग बना देती हैं एक टाइम पे जाके। आप कितना भी ट्राई कर लो, आपको पता नहीं चलेगा कि यार मेरा गाना लोग सुन क्यों नहीं रहे हैं ज़्यादा देर तक, कहाँ गड़बड़ आ रही है यार, इतना बढ़िया तो गाना है, गड़बड़ कहाँ है असली। तो यही गड़बड़ होती है जब आप, तो करीबन 1 साल पहले मैंने एक गाना बनाया था, और यार ये गाना इंस्ट्रूमेंट्स वाइज, साउंड सिलेक्शन वाइज, लिरिक्स वाइज, कंपोजिशन वाइज, लिटरली इतना अच्छा था, फाइनेस्ट वर्क था मेरा। मैंने बहुत दिल से ये गाना लिखा था और बहुत दिल से इसका म्यूजिक बनाया था। जरा सुनो। कैसे शामें आएंगी, कैसे रातें गुजरेंगी। इसको मैं यहीं रोक देता हूँ, इसको पूरा जाके सुन लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा इस गाने का भी। ये गाना स्टिल, इस गाने ने बिल्कुल भी अच्छा परफॉर्म नहीं किया। 2500 व्यूज यार, 2500। आप राइटिंग सुन के देखना, कंपोजिशन सुन के देखना, मज़ा ही आ जाएगा यार, बहुत प्यारा। और मिक्सिंग मास्टरिंग भी बहुत अच्छी हुई है, ऑल्दो मुझे अभी लगता है कुछ चीज़ें इंप्रूव हो सकती थी मिक्सिंग मास्टरिंग में, बट स्टिल। तो ये गाना मात कहाँ खा गया, ये किस तरीके से बेटर हो सकता था? तो इस गाने की मेन कमी रही इसकी अरेंजमेंट, जो कि वैसी नहीं है जो कि इंडस्ट्री के सॉन्ग्स की होती है। इसी चक्कर में यार मैं बहुत परेशान रहा कि यार किसी तरीके से गाने अरेंज करने आ जाए, मुझे वो इंडस्ट्री सीक्रेट पता चल जाए जिससे कि हर कोई गाने अरेंज कर रहा है और उनकी अरेंजमेंट इतनी अच्छी होती है और गाने प्रोफेशनल साउंड करते हैं। तब जाके मुझे ना एक प्लगइन मिला अरेंजर किंग करके, और भाई क्या फाड़ू प्लगइन है भाई। ये आपको ना बता देता है कि अगर आप किसी भी जॉनरा में काम कर रहे हो तो उस जॉनरा में किस तरीके का अरेंजमेंट आना चाहिए और किस तरीके से आप एक हिट दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं ये बीट बना रहा हूँ एक, बट आपको सुनने में लग रहा है सही तो है, बढ़िया साउंड कर रही है यार और इंटरेस्टिंग भी लग रही है, बट कहीं इसकी टेक्निकलिटी में जाएं तो चीज़ें थोड़ी सी उल्टी सीधी हैं, ऊपर नीचे हैं, दाएं बाएं, तो वो कैसे फिक्स कर सकते हैं हम? अब मुझे यहाँ से बस जाना है अरेंजर किंग में, और यहाँ से ये किस में, ये हिप हॉप में है तो मैं हिप हॉप सिलेक्ट कर लेता हूँ। ओके हिप हॉप, और अगर मैं यहाँ पर जाऊँ तो यहाँ पर हिप हॉप हिट करके एक है, यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर लिया प्रीसेट, और यहाँ पर इसने मुझे एक स्ट्रक्चर दे दिया कि भाई इस स्ट्रक्चर में अगर आप अपने बीट बनाते हो तो आपका गाना इंटरेस्टिंग लगेगा और बहुत स्ट्रक्चरली, एक स्ट्रक्चर में ग्लूड होता है ना, जो कि भाई परफेक्ट चीज़ें परफेक्ट जगह पर ही हैं, वैसा बनेगा। और मान लो आपको अपने हिसाब से भी ट्विक करना है आपके सॉन्ग को, तो यहाँ से आप उनके बार भी चेंज कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसको ऐसे ही छोड़ रहा हूँ भाई, पहला हमारा 4 बार का सेक्शन है, और फिर उसके बाद 8 बार का, 8 बार का, फिर अगेन 2 बार का, फिर कोरस हमारा 8 बार का, तो इसको हम अपने हिसाब से भी ट्विक कर सकते हैं। बट स्टिल ये हमें परफेक्ट एग्जाम्पल दे देता है कि भाई एक अच्छा सॉन्ग ऐसा होता है, और ये लास्ट में हमें ये भी बताता है कि अगर इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हो तो कितनी देर का गाना बनेगा। तो ये करीबन 4 मिनट का गाना बनेगा। अगर आपको गाना छोटा करना तो उस हिसाब से आप कुछ स्ट्रक्चर्स इसमें से रिमूव भी कर सकते हैं, वो भी हम बात करेंगे अभी। अभी मैं देख लेता हूँ इस सेम स्ट्रक्चर के हिसाब से क्या मेरी बीट है, क्या मेरी बीट में कोई कमी है। अगर आपको अच्छे से रेफरेंस लेना है तो यहाँ पे एक नया पैटर्न बनाएंगे, बाकी डोज में डायरेक्ट आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, बट यहाँ से आपको इसकी एक मीडी फाइल उठानी पड़ेगी और एक खाली नॉन इंस्ट्रूमेंटल इंस्ट्रूमेंट पे डालनी पड़ेगी, नॉन इंस्ट्रूमेंटल ट्रैक पे डालनी पड़ेगी, क्योंकि ये बस रेफरेंस के लिए, देखने के लिए, विजुअल्स के लिए, आपको कोई इंस्ट्रूमेंट सुनाई नहीं देगा इसमें। ठीक है, ओके ठीक है, हमने इसमें ये डाल दिया। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं हमारे पैटर्न को। तो अब मैं देखता हूँ कि भाई अब मैं कहाँ पे हूँ, अब मेरा इंट्रो की बारी है, मेरा इंट्रो है 4 बार का। अभी मैं देख लेता हूँ कहाँ तक मेरा इंट्रो आना चाहिए, यहाँ तक मेरा इंट्रो आना चाहिए, और अभी मैं अगर देखूँ तो मेरा इंट्रो यहाँ तक जा रहा है, एक्स्ट्रा बार पकड़ रहा है मेरा इंट्रो, तो मैं बस इसे फिक्स कर देता हूँ किसी तरीके से। मुझे क्या करना होगा,
अपना जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं अपने इंट्रो में से वो हटानी होंगी। यही कुछ बेसिक छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपके गाने को बोरिंग बना देती हैं एक टाइम पे जाके। आप कितना भी ट्राई कर लो आपको पता नहीं चलेगा कि यार मेरा गाना लोग सुन क्यों नहीं रहे हैं ज़्यादा देर तक, कहाँ गड़बड़ आ रही है यार, इतना बढ़िया तो गाना है, गड़बड़ कहाँ है असली। तो यही गड़बड़ होती है जब आप अपने गाने को अरेंज करने जाते हो ना, आप ठीक से अरेंज ही नहीं करते। अब जैसे मैं दिखाऊं आपको, वैसे तो सुनने में ठीक लग रहा था पर इसमें एक एक्स्ट्रा बार आता है जो कि हमारे इंट्रो को ज़्यादा बड़ा बना देता है। तो मैं यहाँ से इसको कट कर देता हूँ, ठीक है, और अभी मैं सारा सिलेक्ट करता हूँ सिस्टम यहाँ से, और मैं इसे थोड़ा सा आगे प्लेस कर देता हूँ। ओके, अब मेरा इंट्रो है वो प्रॉपर चार बार का इंट्रो है, 1 2 3 4। अब सुन के देखते हैं कैसा लगता है। और अब जब आप अपने गाने को प्ले करते हो ना, तो यहां से भी देखो आपको यहां से ये भी इसकी एक लाइन दिखेगी प्ले होती हुई। तो इससे आपको थोड़ा ये अंदाज़ा भी हो जाता है कि अभी आप अपने गाने में कहाँ पर हैं और कहाँ पर और इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है। तो इससे आपको रेफरेंस बहुत अच्छी मिलती है। देखो वो भी साथ साथ मूव कर रहा है, इसका जो भी ये पॉइंटर्स है ये भी साथ साथ मूव करता है, जिससे आपको पता चलता है कि आप कहाँ हैं। देखो मैंने इंट्रो के एंड पे लगा दिया चार बार पे, ये भी यहाँ पर आ गया, ठीक है। अभी मैं देख लेता हूँ मेरा वर्स सेक्शन जो है वो कहाँ पर आ रहा है। पहला वर्स बिल्कुल परफेक्टली खत्म हो रहा है, मेरा पहला वर्स है 8 बार का और ये 8 बार में परफेक्टली खत्म हो रहा है। अब आप ना ये नोटिस करेंगे कि यार यहाँ पर ना मैं से इसको अपने होवर कर रहा हूँ ना अपने माउस को, तो ये 8 बार दिखा रहा है, ऐसे मैं मूव कर दे रहा हूँ तो यहाँ पे 13 कहीं 21 लिखा हुआ है। तो ये है क्या, ये बहुत सिंपल चीज़ है। जैसे कि हमने इंट्रो में नोटिस किया कि यहाँ से नंबर 1 से लेके 5 तक हमारे 4 बार कंप्लीट होते हैं, तो देखो यहाँ पे 5 लिखा हुआ, ओके, और नेक्स्ट लिखा हुआ 13, तो हमारा नेक्स्ट वर्स जो खत्म होगा वो कहाँ पे खत्म होगा, 13 नंबर पे, जैसे कि यहाँ पे। सिंपल, तो कन्फ्यूज होने की बात नहीं, बड़ा इजी सा प्लगइन है। और साथ साथ इसी तरीके से आप फिर अपना प्री कोरस अरेंज कर सकते हैं, फिर कोरस अरेंज कर सकते हैं, फिर आप अपनी पूरी बीट का स्ट्रक्चर बना सकते हैं जो कि आपको एक प्रॉपर एक हिट दे सकता है। चलिए, आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा इसमें। जैसे कि मान लीजिए आपके पास 4 मिनट तक के लिरिक्स नहीं हैं, तो आप इसमें से कुछ चीज़ें रिमूव भी कर सकते हैं, जैसे कि डिलीट। ओके, यहाँ से मैंने डिलीट कर दिया, एक एक्स्ट्रा वर्स मैंने डिलीट कर दिया, ओके, अब मैंने अपना गाना छोटा कर दिया अगेन। और अगर आपको ये जो 3D स्ट्रक्चर है ना ये चाहिए, तो यहाँ से आपको 3D स्ट्रक्चर इस तरीके से ऑन करना पड़ेगा। यहाँ से जाएंगे और ये देखो अभी ऐसे नॉन कलर्ड है, और यहाँ से हम कलर्ड ऑन करेंगे तो ये एक तरीके से 3D सा कुछ कलर बना देगा, कुछ कलर्ड फॉर्म में दे देगा, जिससे कि आपको चीज़ें बहुत इजीली समझ में आएंगी। तो पहले आपको देखना कि आपके लिरिक्स में कितने कितने पार्ट हैं, कि भाई मेरे पास एक हुक है, उसके बाद मेरे पास एक वर्स है, उसके बाद मेरे पास कुछ ब्रिज सेक्शन के लिए कुछ चीज़ें हैं, कुछ इस तरीके से आपने अपने लिरिक्स अरेंज कर दिए हैं। फिर उसके बाद आप अपने लिरिक्स के हिसाब से इसको अरेंजमेंट कर सकते हो, आपको ये परफेक्ट अरेंजमेंट करके दे देगा। फिर इस हिसाब से कितने कितने बारे आपको देता है, उस हिसाब से अपना पूरा गाना आप डेवलप कर सकते हो। तो अगर आप ये फैंटास्टिक प्लगइन डाउनलोड करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा यार, बड़ा बेहतरीन सा प्लगइन है और बहुत ज़्यादा कोई महंगा भी नहीं यार, बहुत सस्ता है। और अगर आप मेरा कोड यूज़ करते हैं YTRedBlood, तो आपको इस पे भी मिल जाएगा 50% का ऑफ। तो जल्दी जाओ डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चेकआउट कर लो यार। मेरे हिसाब से ना ये लिटरली बहुत रिवोल्यूशनरी प्लगइन होने वाला है, और अगर आप इसे यूज़ नहीं करते हो तो शायद आप अच्छे हिट्स नहीं बना पाओगे, आप स्ट्रक्चर नहीं सीख पाओगे बहुत सारे गानों का। और साथ साथ इसमें आपको एक कम्युनिटी भी मिलती है जो आपको इसकी वेबसाइट पे मिल जाएगी, आप उसमें और भी बहुत सारे गानों के अरेंजमेंट इसमें देख पाओगे। जैसे कि मैं आपको इसमें शेप ऑफ यू का अरेंजमेंट दिखाता हूँ, ये मैंने वहीं से डाउनलोड किया था, देखो इडी श्रीन का शेप ऑफ यू। तो स्टिल उसका देखो पूरा स्ट्रक्चर बताया हुआ है इसने कि भाई किस किस तरीके से स्ट्रक्चर काम करता है। तो बहुत सारे ऑलरेडी जो फेमस गाने हैं उनके स्ट्रक्चर तो आपको मिल ही जाएंगे इनकी वेबसाइट पे। साथ ही साथ यार आप अपने स्ट्रक्चर भी अपलोड कर सकते हो, अपने स्ट्रक्चर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो, इसमें आपको एक्सपोर्ट का ऑप्शन भी मिल जाता है। तो स्टिल अपनी राय बताने इस प्लगइन के बारे में, और साथ ही साथ यार अगर आप इसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, कोड यूज़ करना मत भूलना, 50% ऑफ मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में इतने। अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना, शेयर करना फ्रेंड्स फैमिली के साथ जो भी म्यूजिक में इंटरेस्टेड है। तो चलिए दोस्तों, ओवर एंड आउट।